तो काफी यहीं पर भीड़ कम हो जाएगी। हाँ जी बच्चों, हम सब बाबा एकनाथ कॉलेज चिकमो के स्टूडेंट्स हैं। सर हमारी दो मेजर प्रॉब्लम्स है, एक है हमारी टीचर्स के लिए। सर हमारे कॉलेज में टीचर्स नहीं है काफी टाइम से, सर मैथ्स का एक भी टीचर नहीं है और सर केमिस्ट्री और सोशियोलॉजी के भी टीचर्स की पोस्ट खाली है हमारे कॉलेज में। और सर हमारा जो सेमेस्टर सिस्टम है, हमारा लास्ट ईयर है हमारा सेमेस्टर सिस्टम है, तो हमारे सेप्टेम्बर में एग्जाम शुरू हो जाएंगे और सर हमारा सिलेबस कवर नहीं होने वाला है। बहुत टाइम हो गया, हमने इतनी बार कॉलेज प्रशासन को भी लिख के दिया कि सर हमारे टीचर प्रोवाइड किए जाए, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमने फिर से लिख के दिया, लेकिन फिर से उन्होंने कहा कि 10 तारीख को इंटरव्यू रखे गए हैं। फिर 10 तारीख को हमने पूछा जाके प्रिंसिपल सर से कि सर हमारे टीचर का इंटरव्यू रखा गया है या नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि कैंसिल कर दिया गया है किसी वजह से। उन्होंने कहा कि एसडीएम ऑफिस में जाओ, उनसे बात करो। सर हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास इतना वो टाइम भी नहीं होता और इतने पैसे भी हम। और दूसरी प्रॉब्लम आ रही है गर्ल्स सिक्योरिटी की। सर फर्स्ट ईयर से हम बोल रहे हैं कि गर्ल्स की सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई होना चाहिए कॉलेज में, कोई गार्ड लगा दो, सिक्योरिटी के लिए कोई लगा दो। कोई भी नहीं है, आउटसाइड रहते हैं, कुछ भी कमेंट्स करके जाते हैं गर्ल्स पे। और सर खुलेआम हमारे ग्राउंड में घूमते हैं, बाइक्स पे घूमते हैं। और सर आईडी कार्ड भी नहीं थे, अभी आईडी कार्ड प्रोवाइड करवाए गए हैं। हम खुद ये भी नहीं पहचान सकते कि बाहर का कौन है, जिससे कि हम जाकर बताएं कि बाहर का कोई है। और सर मेजर प्रॉब्लम ये है कि हमारी स्टडीज का बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि टीचर्स नहीं है। और सर प्लीज जल्दी से जल्दी हमारे टीचर्स प्रोवाइड कर दीजिए। सर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, ईयरली सिस्टम है उनका, उनके चार पेपर्स होंगे मैथ के, तो उनको ये एक भी क्लास नहीं लगी है अभी तक। चलो ये आ गया भाई विषय आपका, तो आप टीचर से समझ। सर आप हमें प्लीज बता दें कि अब कब तक हमारे टीचर, और आप ही बोलेंगे अगर हम बोलने का मौका नहीं है। यस सर, ऐसा है आपकी दो समस्याएं ध्यान में आई, ये दो टीचर्स वाली समस्या है। यस सर, यहाँ से जाने के बाद जो है मैं शिक्षा मंत्री से बात करूंगा ताकि व्यवस्था जो है टीचर्स का। दूसरा ये आप देख रहे हैं टीचर किसने भेजा, ट्रस्ट करते हैं सर, इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूट करती है और मैंने प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन भी कॉल किया है। मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट 3 साल में तुम्हारे टीचर जो रिटायर हो रहे हैं उनकी लिस्ट बना लो, उस हिसाब से रिक्रूटमेंट पहले स्टार्ट कर दो, तो हम फॉलोअप कर रहे हैं। बट ये क्या करते हैं, अब मई में टीचर रिटायर हुआ और मई में ही प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। नाउ ध्यान से कि पीटीए से जैसे पीटीए में टीचर का भी मुद्दा इश्यू हुआ, तो परमिशन पीटीए से भरने की मैं दे नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट से टोटली मना है। तो जो आपका पुराना टीचर रिटायर हुआ है उसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये कह रहे हैं प्रिंसिपल की जी वो पढ़ाना नहीं चाहता, हम उसको पैसा दे देंगे जितना भी चाहते हैं, बट पुराना जो टीचर रिटायर हुआ वही पढ़ा रहे हैं कंटिन्यूसली। और सर एक बात सुनने में आ रही है कि हमें स्कूल के टीचर लगाए जा रहे हैं अभी, साइंस केमिस्ट्री और सोशियोलॉजी के लिए स्कूल के टीचर भेजे जा रहे हैं, तो सर क्या वो पढ़ाएंगे अभी? ऐसा तो कुछ ध्यान नहीं है आपका जो पुराना टीचर था। और सर हमारा टाइम टेबल भी बच्चों एक चीज तो क्लियर है, एक चीज तो क्लियर है कि टीचर सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन से ही भरे जा सकते हैं, एक चीज तो क्लियर है, ठीक है। तो हमें पहले तैयारी करनी पड़ती है कि 2 साल में कौन टीचर रिटायर हो रहा है, उस हिसाब से पहले भर्ती है ना। हमारे टीचर्स कब से जाने थे, कॉलेज प्रशासन को पता था कि टीचर्स नहीं है जाने वाले हैं, नहीं तभी तो मैंने प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन कॉल किया है कि भाई तुम्हें पता था 2 साल में रिटायर होने वाला है, तो एंड पॉइंट पे क्यों सर वो भी हमारे बोलने पर बाद में सर ने बोला कि अभी नोटिस। सर पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती करती है, इसमें 2015 में एक कमेटी थी हाई पावर कमेटी जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे आई थी, उसमें इतनी मोटी बुकलेट बनी हुई है कि टीचर्स कैसे बनना है सब कुछ उसमें क्लियर है। हाई पावर कमेटी है, हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट यह आई है कि आप बैक डोर चैनल से पीटीए से आप इसकी भर्ती नहीं कर सकते हो, दैट इज क्लियर कट रिटर्न। और एज ए टेम्पल कमिश्नर आई कांट गिव द परमिशन, वो बड़ी मोटी रिपोर्ट है। और पब्लिक सर्विस कमीशन को सर हमने अभी यही प्लान करा है कि नेक्स्ट 3 साल में जो भी रिटायर हुए पहले ही भर्ती प्रोसेस स्टार्ट कर दो, और जो आपका मैथ का टीचर है बच्चों का हमने वही रिक्वेस्ट किया है जो टीचर रिटायर हुआ है उसी से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, जो पैसा वो लेना चाहेगा लेता रहेगा, उसको परमानेंट करने का कोई हमारे पास मतलब नहीं रहेगा। वही कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं अगले महीने से।
जो अपने बच्चों के वेलफेयर के पेरेंट्स पे रख सकते हैं उस प्रशासन वगैरह नहीं करेंगे। वही बात कह रहा हूँ ना मैं कि आपसे मैं कह रहा हूँ कि जो रिटायर्ड टीचर हम भर नहीं सकते, मेरा यही उसका काम नहीं है, वो पक्का है, ठीक है। अब दूसरा लाने का, आपके नजर में कोई बहुत अच्छा पढ़ाने वाला हो आप हमें नाम बता दें कि सर इसको रखना है, परमानेंट करने का लफड़ा नहीं हो, रिटायर्ड हो। अगर हमने प्रशासन को इन्वॉल्व नहीं करना, पेरेंट्स को रख सकते हैं, नहीं तो फिर पीटीए फंड लेते कि ना सर, 21 लाख सर एक बात किस लिए लेना है बच्चों, मेरे को सब पता है, आप लोग धरने में बैठे थे, ये चीजें पता है सारी चीज, और ये मुद्दा क्रिएट किए एक दिन का है नहीं, तभी कह रहे हैं हम लोग कि जी जैसे आप भी कह रहे हो कि भर्ती का प्रोसेस पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए, 2 साल में रिटायर होने का है, वो चीज हम कर रहे हैं, उसी चीज को हम कर रहे हैं। और जो आपका टीचर मैथ का जो पढ़ाते हुए हैं उसको हम बात कर रहे हैं कि भाई आप आ जाओ, कल आ जाते हैं तो कल पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, नहीं ये तो कोई और आसपास का रिटायर होगा तो उससे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें टेक्निकल पॉइंट नहीं आता, ऐसा नहीं है, हमें पता नहीं है इस चीज का। और प्रिंसिपल को मैंने एक्सप्लेनेशन भी कॉल किया है इस चीज के लिए कि आपने इसको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया, क्योंकि इस चीज में नहीं है, बट हम लोग आपको अश्योर करते हैं, मैं ऐसे दिन नहीं बता सकता क्योंकि टीचर कब रिटायर्ड हमें मिल पाता है, उसको किस तरह से अरेंज कर पाते हैं, वो सारी चीजें उसमें है, तो हम लोग उसको कर रहे हैं। मैं आपको आप बता दो आपके नजर में कोई टीचर है तो हम उसको रख लेते हैं रिटायर, कल ही रख लेते हैं सर। पहले प्रिंसिपल कहते हैं कि टीचर तैयार है, जब हम स्ट्राइक पे बैठे थे, सुनो अभी यही बैठे हैं हम लोग, ठीक है, डिसा भी यही है, जरा अभी इसके बाद जो है यहाँ से जो जाएंगे इसके बाद बात करते हैं इस इशू के लिए। इन जो ये इशू उठाया है कानून व्यवस्था का के बाहर से जो है कुंडा डिबेट है वहाँ कैंपस में, ये तो बहुत इसको तो कठोरता से देखने की जरूरत है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? कहाँ है भाई प्रिंसिपल, कहाँ है प्रिंसिपल, कहा है प्रिंसिपल हो गए बात कर रहे हैं तो नहीं नहीं हुआ ऐसा है ना, आगे लिख करके बोले पुलिस व्यवस्था करेगी, थोड़ा इसको इश्योर सुनो कि वहाँ कुछ लोग जो इसको गश्त कर लें, आप गश्त करें ड्रेस में वहाँ लोग रहे जी सर। यार ये बताओ आप ये बच्चों को यहाँ खड़े होने की नौबत आ गई जी, एज ए पब्लिकली आप रेस्पेक्टेड पोस्ट पे हो, आपको पता है कि भर्ती पीटीए से करनी है, बिल्कुल पता है आपको, इनको बताया सर, नहीं आपको पता था ना जी, तो रिटायर्ड टीचर आपके मई 2019 में रिटायर हुआ था, तो मई 2016-17 से क्यों नहीं इसकी सर कोर्ट केस था जी, कोर्ट केस का डिसीजन उसके बाद भेज दीजिए। क्या कोर्ट केस था? उन्होंने स्टेज रखा था सर। किसने? मैथ के टीचर ने। क्या स्टेज रखा था? उनका सेशन का था, सेशन से पहले ना किया था। चलो प्रक्रिया शुरू हो जाइए, देखो प्रक्रिया शुरू, अब इसमें एकदम तो जो मेरे समझ में आया कहाँ से ला होगा कुछ नहीं इसमें, अभी फिलहाल जो है वो सिंह सेंटर स्कूल के किए हैं जो टेम्परेरी बेस है, वो कॉलेज में उनको कैसे पढ़ेंगे, वो सर्टिफाइड नहीं है भैया ऐसे ना, वो जो रिटायर्ड टीचर है वो नहीं पढ़ा सकता, वो अभी मान नहीं रहे, बातचीत चल रही है, कर लेते हैं सर उससे बात कर रहे हैं हम लोग, जो भी पैसा वो ले पाएगा उसको इसका निकालते हैं, बोले वही हम इसका जो है निकालते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है ध्यान है, ठीक है इसी को कंटिन्यू करते हैं, थैंक यू सर, ठीक है थैंक यू जी।